लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। दरअसल कोटरा स्टेशन के पास रेल ट्रैक का एक हिस्सा टूट गया। इसे पहले चाबी मैन ने देखा। उधर पटरी पर तेज स्पीड में समता एक्सप्रेस आ रही थी। ट्रेन को देखकर चाबी मैन ने लाल झंडी लेकर ट्रैक पर दौड़ लगा दी। लाल झंडी देखकर समता एक्सप्रेस के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और समय रहते ट्रेन रोक ली। यहां यूपी के मुजफ्फरनगर जैसा बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों का कहना है कि अगर चाबी मैन ट्रेन नहीं रुकवाता तो बड़ा हादसा हो जाता और ना जाने कितने लोगों की जान चली जाती। चाबी मैन के इस काम को लेकर विभाग द्वारा अवार्ड दिया जाएगा। मीणा ने लाल झंडी लेकर ट्रैक पर दौड़ लगा दी। सामने से लाल झंडी लेकर दौड़ता चाबी मैन को आता देख ट्रेन के पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को टूटी हुई पटरी से कुछ दूर पहले ही रोक दिया। इससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रैक पर करीब आधा फीट पटरी टूटी हुई थी। ट्रेन को बैक कर डाउन लूप लाइन से रवाना किया गया। घटना के बाद ट्रेन को डबरा और दतिया में ब्लॉक के कारण एक घंटे रोक कर रखा। पटरी जोड़ने के बाद यहां से ट्रेनों को 30 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से गुजारा गया। चाबी मैन का कहना है कि मैं ट्रैक पर पेट्रोलिंग कर रहा था, इसी दौरान मुझे खंभा नंबर 1173 से 16 के बीच पटरी टूटी दिखी। जब सिग्नल देखे तो वे ग्रीन थे। इस पर मैंने तुरंत अपने अधिकारियों को फोन पर पटरी टूटी होने की जानकारी दी। समता आने वाली थी, वह यहां से 110 से 120 की स्पीड से गुजरती है। इसके बाद मैं हाथ में पटाखे और लाल झंडी लेकर दौड़ा। 600 मीटर दौड़ने के बाद मैंने एक पटाखा ट्रैक पर लगा दिया। इसी दौरान मुझे दूर से ट्रेन आती दिखाई दी। इसके बाद मैं ट्रैक के किनारे लाल झंडी हिलाता हिलाता दौड़ने लगा। समय रहते ट्रेन के पायलट ने झंडी देख ली और उन्हें कुछ गड़बड़ी की आशंका हुई। इस पर उन्होंने धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम करना शुरू कर दी। इसके बाद भी मैं दौड़ता रहा और 1200 मीटर दौड़ने के बाद 3 पटाखे और लगा दिए। वहीं स्पीड कम करने के बाद ट्रेन समय रहते रुक गई।